फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने काफी दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया, तो आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आए कि प्रिया तुम ब्लॉग क्यों नहीं बना रही, कब ब्लॉग डालोगी कब डालोगी। तो मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। अब से ना मैं कंटिन्यू ब्लॉग डालूंगी, अब कोई गैप नहीं करने वाली। अब मैं पूरा टाइम दूंगी अपने ब्लॉगिंग को। तो मेरे दिन की शुरुआत तो हो गई है, तो देखते हैं आज क्या क्या होने वाला है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर तो हमारी सौम्या अपने आप में अकेली खेले जा रही है, कोई उसके साथ खेलने वाला नहीं है। हम खेल लें, फिर काम कौन करेगा? काम? हाँ, काम दीदी कर लेगी। अच्छा, अगर मैं खेलूंगी तो काम कौन करेगा बताओ? दीदी। दीदी दीदी काम करेंगी तो वो बोलेंगी, भाई दीदी हम तुम्हारे हिस्से का भी काम करें, अपने हिस्से का भी काम करें, डबल डबल काम करें क्या? वो थोड़ा सा डबल। ये सिर्फ तुम्हें लग रहा है, ऐसा नहीं है। पता है फ्रेंड्स, आज मेरे पास ना एक ड्रेस है बनाने के लिए, स्कूल यूनिफॉर्म है, तो मुझे आज के आज ही बनाना होगा, क्योंकि जो हमारी बुआ की बेटी है ना, वो आई हुई थी, उनको अपनी बेटी के लिए ड्रेस बनवाना थी। मतलब वो कहीं से बनवा कर आई थी, स्कूल की तरफ से ही जो बनती है, तो वो उसको सही नहीं बन रही है, तो फिर उन्होंने मुझे दूसरा कपड़ा ला कर दिया। और स्कूल तो खुली गए हैं, तो उनको जल्दी से पहनकर जाना है, मतलब कल से ही जाना था। तो वो बोल रहे हैं प्रिया हो सके तो एक दिन में ही बना देना, तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो बना देंगे। तो आज के आज ही मुझे इसकी कटिंग भी करना है, स्टिचिंग भी करना है, तो मैं कर लूंगी आज ही, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर आज मेरे पास तो काम डिसाइड है कि मुझे ये सारे काम करना ही है। यहाँ पर रखे हुए मेरे पास ये सारे कपड़े कटिंग करे हुए, तो मुझे ये भी बनाना है और साथ में मुझे वो भी बनाना है। क्या है, तुम खेलती रहोगी क्या? काम नहीं करें क्या तुम्हारे साथ? खेलते रहे, कर ले काम। यहाँ पर मैंने कर ली है इस वाले कुर्ते की कटिंग। अब हमारी कुर्ते की कटिंग तो हो गई है, अब मैं सोच रही हूँ पहले खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। चलो, तो अभी हमारा खाना भी रेडी हो गया है, तो खाना खा लेते हैं। तो आज के खाने में हमारी गिलकी की सब्जी, रोटी और नमकीन और पापड़ भी है और दही भी है, और हाँ पानी भी जरूर है। चलो तो हम फटाफट से खाना खाते हैं और फिर हम अपने काम पर लगते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं भागते हुए ऊपर, क्योंकि बारिश का तो अब बस यही नाटक है, एकदम से बारिश होने लगती है तो कपड़े उठाने जाना पड़ता है। सब उतार लिए इतने जल्दी? अरे दो तीन ही बस डले हुए थे, ध्रुव के अकेले, उसने अभी लेट ना आया था। तो चलो सब में जल्दी नीचे, गीली हो जाएगी। पता ही नहीं था इतनी तेज बारिश होने लगी, पता चला कि तेज बारिश होने लगी, जल्दी चलो। अभी हो रही है यहाँ पर बहुत तेजी से बारिश, और सारे कपड़े हमने घर में ही डाल दिए हैं, सभी घर में ही सूखे हैं, ऊपर तो हम डाल नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी आ गए हैं हम अपने स्टूडियो में, हम आए हैं कटिंग करने के लिए, तो सूट तो हम लेकर आए हैं, क्योंकि नीचे तो लाइट नहीं है, तो मतलब लाइट तो है पर फिर नीचे की सारी लाइटें नहीं जला सकते, तो फिर इसलिए मैंने कहा मैं ऊपर चलती हूँ, अभी पहले मैं कपड़े कटिंग कर लेती हूँ, यहाँ पर तो सारी लाइट जला सकते हैं ना, तो अभी लाइट आएगी जब तक, मैंने कहा जब तक मैं कपड़े कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं बाद में उस कुर्ते की स्टिचिंग कर दूंगी। और उस कुर्ते की ना गिट्टी भी नहीं है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है अब क्या करूँ मैं। ध्रुव और पीयूष तो अभी सो रहे हैं, वैसे ही वो लोग घूमने के लिए बाहर गए थे, तो फिर थके हुए आए, तो वो लोग अभी सो गए हैं, फिर जब शाम तक वो लोग उठ जाएंगे तो फिर मैं उनसे गिट्टी मंगा लूंगी और फिर मैं उसको रात तक सिल लूंगी। तो अभी मैं ना कपड़े कटिंग कर लेती हूँ। तो अभी हम लेकर आए दो सूट, एक ये वाला सूट है और एक ये वाला सूट है, हम इन दोनों की कटिंग करने वाले हैं। मेरी दोनों ही सूटों की कटिंग हो गई है, एक सूट ये है, ये शलवार है, ये कुर्ता है, और एक सूट ये है, ये शलवार और ये कुर्ता, दोनों ही सूट कटिंग हो गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ मेरे सूट तो कटिंग हो गए हैं, तो फिर मुझे ना इस वाले सूट की गिट्टी मंगा लेनी चाहिए। पहले मैं एक बार नीचे चेक कर लेती हूँ, अगर नीचे रखी होगी तो ठीक है, फिर उससे बना लेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर हम मंगा लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये वाले सारे कपड़े निकाल कर रखे हैं स्ट्रिचिंग करने के लिए, तो वो जो मैं पहले स्ट्रिच करने वाली थी उसकी गिट्टी तो मुझे मिली नहीं है, तो मैंने ध्रुव से बोल दिया है वो गिट्टी ला कर दे देगा मुझे, जब तक वो गिट्टी लाएगा तब तक मैं क्या करूँगी। तो मैंने सोचा जब तक मैं एक आध कुर्ता स्ट्रिच कर देती हूँ, तो मैंने बहुत सारे कुर्ते निकाल लिए, अब जितने स्ट्रिच हो जाएंगे उतने कर लूंगी, बस अभी मैंने निकाल के रखे हैं। तो मैं ना सबसे पहले ब्लैक वाला कुर्ता स्ट्रिच करना स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, अब ये वाली गिट्टी लेने के लिए मैं खुद जा रही हूँ। गिट्टी हम लेकर आ गए हैं, चलो अब इस कुर्ती को भी बना लेते हैं। पहले ये जो ब्लैक कुर्ती मैं बनाने बैठी थी ना, इसको पूरा कर देती हूँ, बस मैंने आधी ही बनाई थी, तो फिर पीयूष बोलने लगा मुझे कुछ सामान लेने जाना है, तो तुम्हें कुछ सही हो तो ले आओ, तो फिर मैंने कहा चलो भाई मेरे साथ तो गिट्टी लेने चलो, वैसे ही मुझे गिट्टी लेने जाना ही था। तो अभी हम लोग जाकर गिट्टी लेकर आ गए, अब मैं इस कुर्ते को पूरा कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी ये ब्लैक कुर्ती बन गई है। फ्रेंड्स, अभी मेरी ये वाली कुर्ती स्ट्रिच हो गई है, अब मैं यूनिफॉर्म को स्ट्रिच कर लेती हूँ, क्योंकि ना वो कुर्ती वैसे भी कल ही लेने के लिए आई, तो मैं सोच रही थी आज ही स्ट्रिच कर लेती हूँ, अगर मैं उसको अभी स्ट्रिच नहीं करूँगी तो फिर वो हो भी नहीं पाएगी। वैसे तो मेरे पास कल पूरा दिन का टाइम भी है, क्योंकि मैंने वैसे भी उनसे शाम का बोला है, तो कल भी कर सकती हूँ, कोई ऐसा जल्दी भी नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ आज ही करके खत्म कर देती हूँ उसका काम। क्या हो गया? पता है हमने एक अच्छा सा हेयरबैंड बनाने देखा है, चलो अपन भी बनाएं। अरे यार, अपन कल बनाएंगे। नहीं दीदी, आज प्लीज दीदी प्लीज, कल बना लेंगे ना बिट्टू। नहीं दीदी, आज बना लो ना। कहाँ पर देख लिया? मोबाइल में देखा है मैंने, एक अच्छी सी रील। रील देख ली? हाँ। तुम क्या हेयरबैंड साथ में लेके घूम रही हो? हाँ। अरे मैंने सोचा मैं दीदी को
बताने चलती हूँ। अच्छा चलो अपन भी बनाए, कल बना लेंगे ना। प्लीज 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 बना लो ना। हाँ ठीक है चलो बनाते हैं। फ्रेंड्स अभी हम कुर्ता स्टिच कर रहे थे लेकिन अब हम कुर्ता बाद में स्टिच कर लेंगे। अब सौम्या का बेचारी बच्ची का मन है तो हम पहले हेयरबैंड बना लेते हैं। कितनी खुश हो गई लड़की, चलो अभी बना ही लेते हैं। क्या कर रही हो वहाँ चढ़ के, गिरना है वहाँ से? अरे नहीं, स्टोन हाँ इसमें ही रखे हैं, इसमें ही रखे हैं। आराम से उतरना, गिर मत जाना। बस इसको तो इतनी खुशी है कि अभी की तुरंत ही बन जाए। सब सामान ला ला के दे रही है खुद ही। यहाँ पर हमें फैब्रिक भी मिल गया है, ये हमारी गुड़िया की ड्रेस में से अभी निकला था, बस जस्ट अभी बनाई है हमारी गुड़िया ने इस वाले फैब्रिक की ड्रेस। तो बस सौम्या को ये वाला फैब्रिक भी पसंद आ गया है, हेयर बैंड भी आ गया है और इसमें कुछ सामान भी रखा हुआ है। इन सब सामान को मिलाकर हम एक अच्छा सा हेयर बैंड रेडी कर देते हैं जिससे कि ना सौम्या भी खुश हो जाएगी। दीदी अच्छा लग रहा है, ये हमारी सौम्या बता रही है कि ऐसा बनना है। वैसे लग तो अच्छा रहा है सौम्या, बनाओ तो सही। बना ले सही। हाँ कोशिश तो करो यार, ऐसा ही देखा था आपने, ऐसे ही बना रही थी वो। तुम एक काम करो, वो वीडियो हमको दिखाओ, लाओ कैसी थी वो, किसके मोबाइल में देखी थी? वो मोबाइल में देखी थी। हाँ। वैसे ऐसे बन जाएगा, चलो अपन कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा है ना। हाँ, ऐसे ही अपन लपेट लेते हैं ना। ओके। इसको ना बनाने का इतना एक्साइटमेंट है कि खुद ही बनाने लगी है। ऐसे ऐसे लपेट लेते हैं, ऐसा करना है। सौम्या एक काम करो, ये सारा सामान हमको दो, हम फटाफट से बना देते हैं। ठीक है लो दीदी, क्या बन रहा है? सौम्या बताइए क्या बन रहा है। हेयर बैंड बन रहा है। हेयर बैंड क्या होता है? वो हेयर बैंड होता है, वो हेयर बैंड मतलब बाल, और बैंड मतलब उसमें लगाने वाला बालों में, तो वो हेयर बैंड होता है। क्या होता है सौम्या? हेयर बैंड अब उसको ऐसी है ना आदत पड़ गई प्रीति, इसीलिए तो वो तो पहले से ही है ना, उसको डेकोरेट कर रहे हो ना। हाँ ये तो बना बनाया ही है, पर पता है इसने कोई रील वगैरह देख ली होगी मम्मी के मोबाइल में, तो बोल रही मुझे ना वैसा ही बनाना है। अच्छा। बना दो तो मैंने कहा ठीक है चलो हम बनाते हैं। हाँ, चलो बना दो। अच्छा लगेगा ना गुड़िया ने ये वाले, इस वाले फैब्रिक की वैसे भी अभी ड्रेस बनाई थी तो अच्छा लगेगा इसका। तो ड्रेस बनाई थी तो गुड़िया इस ड्रेस के साथ पहनेगी तो अच्छा लगेगा। अरे गुड़िया ने तो अपना शूट कर लिया, ये फैब्रिक यहीं पर पड़ा हुआ था तो मुझे दिख गया, तो मैंने कहा इसी का बना लेते हैं, कौन ढूंढेगा अभी, बोल रही हूँ मैं ना। सामने इसका अच्छा लगेगा ना? हाँ मैं तो उसका, मैं शाइनिंग वाला फैब्रिक है इसलिए मेरा तो अच्छा लगेगा इसका। दीदी इसमें कौन से मोती लगा ले? ये सब सामान पता है उसने खुद नहीं उतारा है, ऊपर से लेकर आई उतार के। मोती कहाँ पे लगाना है, कैसे मोती लगाना? सब में बताओ कैसे मोती लगाना है। अरे पहले इसको ऐसे लपट लेंगे। हाँ लपेट लेंगे ना, इसके ऊपर मोती भी लगाओगी। हाँ उसके ऊपर फ्लावर भी बनेंगे प्रीति, यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे साइड में। पहले पूरा पैटर्न दिखाओ ना मुझे कैसा बनाना है। अरे वो तो नीचे रखा है मोबाइल, अब कौन दिख रहा है, मैं तो अपनी मर्जी से बना दे रही हूँ। हर कुछ बना दे रही मतलब? नहीं वो सौम्या को पसंद आ जाएगा ना, सौम्या वो जैसा जैसा बताती जा रही है हम वैसा बनाते जाएंगे। तो ठीक है फिर ऐसा कुछ वैसा ले लो, ये लगा दो, नहीं तो ये भी अच्छा लगेगा। सौम्या ये लगा दे ना। फ्लावर कैसे बनाने वाले पहले ये बताओ। फ्लावर तो हमने सोच ली इस टाइप के, ऐसे ऐसे राउंड टाइप के शेप के, ऐसे पूरा एक सर्कल टाइप को बनाएंगे हम, अच्छा लगेगा। तो उसके बीच में ऐसा छोटा, हाँ बीच में बीच निकाल के इसका ऐसा पीस निकाल के उसमें लगा सकते हो, तो वो बटरफ्लाई टाइप या फिर कुछ ऐसा अच्छा सा लुक देगा। हाँ सौम्या ऐसा लगा दे। हाँ या फिर एक मोती बीच में टक कर सकते हो उसके। हाँ पता है उसको स्टोन लगवाना था क्या? हाँ स्टोन लगाओगे तो वो भी ठीक लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा शाइनिंग हो लगेगा। तो ये फैब्रिक की शाइनिंग वाला है ना, इसके ऊपर भी तो लगा सकते हैं दीदी, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो ऐसे ही करते हैं सौम्या, चलो चलो अब अपन बनाते हैं ना। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ऐसे राउंड सर्कल टाइप की बना ली है और बहुत सारे बनाए, ये चिपक गया है फैब्रिक, तो देखो दो ये हैं, इसमें चार हैं और चार इसमें बनाए मैंने, तो अभी इस टाइप्स के सर्कल ना मुझे बहुत सारे बनाना है। और हमारी सौम्या पता नहीं ऊपर चढ़ क्या कर रही है, अब क्या चढ़ गई वहाँ पे? दीदी मैं ये बोल रही हूँ यहाँ पर 3 ब्लैक पन्नी रखेंगी। ओके में से कौन से में स्टोन रखेंगे? स्टोन भी लगाना है अपन को इसमें, अपन ने तो वो डिसाइड कर लिए थे ना, ये वाले ये प्रीति दीदी अभी यही तो बोल कहीं ये लगा लेंगे, वो लगाना। तो तुमको क्या लगवाना है? हम तो कुछ भी लगा लेंगे। तो फिर ऊपर क्यों चढ़ी थी, क्यों जाओगी वहाँ से, बार बार मत जाओ। हम स्टोन वाला बनवाएंगे। तुम्हारा पल पल में ही मन बदल जाता है, कभी हम स्टोन वाला बनवाएंगे और कभी वो। चलो ठीक है ले आओ जाओ। तीनों खोल के देख लो, हमको भी नहीं पता। अब गुड़िया का सामान है, मुझे क्या पता कौन सी पन्नी में है कौन सी में नहीं है, वो लगाती रहती है निकालती रहती है, और उसका तो काम ही यही है, वो हर ड्रेस में कुछ ना कुछ नया करती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ नया नया सामान लाती रहती है। तो वहाँ पर 3 पन्नियां रखी होंगी, तो वो बोल रही है कि इसमें तीनों में से कौन से वाले में है। तो सौम्या एक काम करो, आप तीनों को ही खोल खोल के देख लो, जिसमें ज्यादा वजन हो ना बस वही होगा स्टोन वाला। समझ गई कौन सी में बताओ, इसमें क्यों वो ये बहुत भारी है, खोल के देखो। देख लो खोलो 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 खोलो
हाँ ये देखो ये देखो सारे स्टोन। ओ रोजी कलर की मोती भी है इसके अंदर तो। कितना सारा सामान है गुड़िया दीदी ना तुम्हें मारेंगी आगे पता है। तो तुम उनके सामान की छेड़खानी करोगे तो मारेंगी नहीं क्या वो? देखो व्हाइट कलर की भी है ये और इसमें वो ब्लैक कलर की भी है गोल्डन। कैसे गोल्डन? तो एक काम करो इसमें से डिसाइड कर लो और पसंद कर लो जो भी आपको अच्छे लगे ना वो बता दो मुझे तो मैं वो ही लगा दूंगी। ठीक है बता दीजिए डिसाइड करके इसमें से वाओ ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे मैं क्या सोच रही हूँ तो हमें ना ये बड़े वाले स्टोन लगा लेते तो ये भी अच्छे लगेंगे। और ये गोल्डन वाला अपन को ना बीच में एक ही लगाना है तो अपन ये भी लगा सकते हैं वैसे ना। हाँ, कोई सी भी लगा। पहले एक काम करते हैं अपन अपना फ्लावर बना लेते हैं फिर उसके हिसाब से रख के देख लेंगे कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है ना? ठीक है। मेरा तो बनने वाला है दीदी कब तक बनेगा? बस आधा तो बन ही गया है सोमे बस आधे बनने में और कितना टाइम लगेगा? जल्दी से अपन स्टोन लगा लेंगे फिर उसके बाद। स्टोन लगाएंगे लगाएंगे अभी पहले ही पूरा कवर तो हो जाए। कब होएगा दीदी? जल्दी हो जाएगा तुम सबर तो रखो तुमसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है ना। पागल लड़की हंसने लगी है बस। फ्रेंड्स ये मेरा बन गया है अब दीदी फ्लावर बना रही है देखिए एक ये फ्लावर भी बन गया है एक छोटा सा फ्लावर हमारा ये बन गया है और हमने बहुत सारे ये राउंड राउंड भी कटिंग कर लिए हैं तो अभी बस हमारे फ्लावर बन रहे हैं फिर इसके बाद हम ये सारे फ्लावर को साथ में हम सबको ज्वाइन कर देंगे और एक अच्छा बड़ा सा फ्लावर बनाएंगे। समय अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है। इसमें क्या रखा हुआ है देखती हूँ मैं। स्टोन भी रखे हुए इसमें भी नहीं सोमी उसके अंदर स्टोन नहीं है। दीदी देखो स्टोन ही है दिखाना देखो ये स्टोन नहीं है ये तो मिरर है। अरे हाँ ये कांच है दीदी कांच। हाँ हाँ देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे और भी स्टोन रखे हुए हैं। मैं कौन सा लगा लूँ यार ये क्या है देखती हूँ। अरे ये तो इतनी माला है ब्लैक कलर की माला है कुछ उनकी ड्रेस में कुछ बनाना हुआ इसलिए वो उसका लेकर आएंगे मोती की माला। ठीक है दीदी ये क्या है कहाँ पर? ये व्हाइट मोती है। अच्छा माला ही लग रही है मुझे तो। नहीं माला नहीं है। यहाँ पर मैंने सारे फ्लावर छोटे छोटे फ्लावर तो बना लिए हैं। मैंने दो साइज के बनाए एक बड़े साइज के और एक छोटे साइज के। तो मैंने क्या डिसाइड किया था कि मैं उसमें ना तीन फ्लावर लगाने वाली हूँ। एक यहाँ बीच में बड़ा फ्लावर रहेगा फिर आजू बाजू ना थोड़े छोटे छोटे दो फ्लावर रहेंगे तो वो अच्छे लगेंगे। तो अब मैंने इतने सारे फ्लावर बना तो लिए ऐसा अब मुझे ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कहीं बहुत ओवर लगने लगे बहुत ओवर लगे तो मैंने इतने सारे फ्लावर बना लिए मेरी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है एक लगाते ना तब भी अच्छा लगता लेकिन अब मैंने तीन के हिसाब से इतने सारे फ्लावर बना लिए तो मैं तो तीन ही लगा देती हूँ। वैसे तो वो शायद अच्छे ही लगेंगे। और पता है फ्रेंड्स मैंने समय खाना खाने के लिए भेज दिया वो जा भी नहीं रहे थे मैंने जबरदस्ती भेजा मैंने कहा जाओ तुम जब तक खाना खा के आओ जब तक मैं बना कर रखती। वैसे भी इतना टाइम हो गया बेचारी कब तक भूखी रहेगी और उसका मन ही नहीं हो रहा था जाने का तो इसलिए मैंने बोला जल्दी जाओ तुम खाना खा के आओ जब तक तुम्हें बना ही मिलेगा। पता है फ्रेंड्स एक फ्लावर मैंने ये रेडी कर लिया है और एक मैंने ये वाला रेडी किया है। अब हेयर बैंड जो है वो इतना बड़ा है अब इसके ऊपर मैं ये वाला फ्लावर लगा दूंगी मान लो तो फिर इसके बाद मैं एक बड़े वाले साइज का और लगाऊंगी यहाँ पर फिर इसके बाद मैं एक छोटा लगाऊंगी। तो आप ही बताओ वो बहुत ज्यादा ओवर लगने लगेंगे क्योंकि मैंने तो कभी हेयर बैंड बनाए भी नहीं है मैं तो पहली बार ही बनाने बैठी थी और वो ना मैंने हमेशा क्या मुझे लटकन वटकन बनाने की तो आदत ही है तो उसमें तो थोड़े बड़े बड़े ही चलते हैं आजकल तो वो हेयर बैंड तो इतना सा था तो उसके हिसाब से ना ये फ्लावर बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब मैं सोच रही हूँ हेयर बैंड बनाने के साथ साथ ही ना मैं एक ब्रेसलेट भी बना देती हूँ जो फ्लावर बच रहे हैं उनका कुछ ना कुछ तो यूज करना ही है हमें तो फिर मैं एक ब्रेसलेट बना देती हूँ और एक हेयर बैंड बना देती हूँ। अभी जो हमारा हेयर बैंड है वो एकदम रेडी है बनकर। देखिए यहाँ पर हमने एक मिरर लगा लिया है फिर उसके बाद बीच बीच में हमने यहाँ पर स्टोन लगा दिया और इस तरह से हमारा पूरा बनकर रेडी हो गया है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो मेरे पास एक और फ्लावर है इसमें भी मैंने एक मिरर लगा दिया है अब यहाँ पर मैं स्टोन लगा लेती हूँ फिर उसके बाद एक हाथ में पहनने के लिए ब्रेसलेट टाइप का बना दूंगी। चलो अब ये लग गए हैं अब जब तक ये सूखेंगे बन गया देखो अभी हाथ मत लगाना लेकिन अभी सूख रहा है वो। अच्छा एक और कब लगाओगी? एक और देखना एक और लगा दे फिर ओवर नहीं रखने लगेगा सब में पूरा भरा भरा सा। हम तो सोच रहे हैं इसका ब्रेसलेट बना देते हैं। हाँ ठीक है है ना? हाँ ब्रेसलेट ज्यादा अच्छा लगेगा ना। हाँ दीदी तो फ्रेंड्स आज पता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँगी। क्यों एक्साइटेड हो आज तुम बताओ? दीदी पता है हेयर बैंड बन गया। हाँ ना बन गया। देखिए फ्रेंड्स हमारा हेयर बैंड बन के रेडी हो चुका है वो सबको पता है हमने पहले ही बता दिया। हाँ ओके और देखिए ये इसका हम बनाने वाले हैं ब्रेसलेट वो भी सबको पता है कि अब सौम्या का ब्रेसलेट बन रहा है जो कि मैंने यहाँ पर बनाना स्टार्ट भी कर दिया है। ठीक है कर रहे हैं
वीडियो एडिट। दीदी हाँ? पता है हमारा हेयर बैंड बन चुका है और अब ब्रेसलेट बनने वाला है। ब्रेसलेट भी बनवा रही हो? हाँ। अरे अजोमी, आप तो हेयर बैंड का बोल के ब्रेसलेट भी बनवाने लगी। दीदी बोल रही थी ब्रेसलेट भी बना दे इसका, तो हमने बनवा लिया। तो यार सोमी, आप तो एक बोल के ठीक है, तो ब्रेसलेट जो बन रहा है वो आप हमको दे देना और हेयर बैंड आप रख लेना। कुछ भी कर लेंगे बाद में, चल जाएगा। हाँ ठीक है, तो फिर डिसाइड रहा, जो ब्रेसलेट रेडी होने वाला है वो मेरे लिए है और जो हेयर बैंड है वो सोमी के लिए है। ओके अपन देख लेंगे। हाँ ठीक है, देख अभी मैं आपको बताऊंगी। ओके ओके बनने वाला है बस। ओके ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत बड़ा लोचा हो गया है हमारा। ब्रेसलेट भी बनकर रेडी और ये जो फ्लावर बनाकर हमने जो रेडी किया था ना, इसमें हमने जो मिरर लगाया था ना, वो बार बार निकल निकल जा रहा है। हमको बहुत तेज गुस्सा आ रही है सौम्या। अच्छा लग गया, और फिर इसका क्यों नहीं चिपक रहा? पता नहीं यार, इसमें शायद वजन है इसलिए। हमने ग्लू तो बहुत बहुत सारी लगाई थी लेकिन पता नहीं वो क्यों बार बार गिर गिर जा रहा है। हाँ और हमको पता है क्या लग रहा है सौम्या, ये जो फैब्रिक है ना, ये स्ट्रेचर वाला फैब्रिक है ना, शायद वो इसलिए नहीं चिपक रहा। हाँ। है ना, ये सिंपल फैब्रिक पे कितनी जल्दी चिपकता है। हाँ, हाँ, और क्या दीदी, तो हर कभी स्टोन लगाती है, मिरर लगाती रहती है। हमने उस दिन दुपट्टे में ही लगाए थे दोनों मिलके, इतने आराम से चिपक गए थे, इसमें ही नहीं चिपक रहा यार। फ्रॉक थी ना, हाँ उसमें भी तो लगाए थे, कितने आराम से पक गए थे। अब क्या करें सौम्या यार, हमारा बस पूरा ही रेडी है, बस हमें इसको ना हमें इसमें टक करना है अब। लेकिन ये हम टक करेंगे और ये मिरर फिर गिर जाएगा। हाँ अब क्या करें सौम्या। दीदी एक काम करो, बना के देख लो, अगर गिर जाएगा तो फिर अपन नहीं बना रहे, फिर अपन बटन लगा लेंगे। हाँ मिरर हटा देंगे। हाँ दीदी में कैसी लग रही? अच्छी लग रही है, देखो तो जरा कितनी खुश हो गई बेचारी लड़की। दिखाना सौम्या कैसे लग रहा है। ओहो वाओ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी जल्दी से ब्रेसलेट और सूख जाए, फिर मैं उसको पहन लूंगी। यहाँ पर हमारी सौम्या को ना ब्रेसलेट सूख रहा है क्योंकि ना हमने इसमें ना दूसरा मिनर लगाया है। अभी नहीं पहनो सौम्या, वो अभी निकल जाएगा यार बेटू, अभी उसको ना बिल्कुल सबर नहीं है बिल्कुल भी। दिखाना, वाओ ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। मैं दीदी को बता के आती हूँ। प्रीति दीदी को? यस। अरे वाह, अब तो प्रिंसेस लग रही हो बिल्कुल। वाह आपका ब्रेसलेट, आपका हेयर बैंड एकदम मस्त लग रहा है सामी। दीदी हाँ पता है ये ब्रेसलेट की ये निकल गए थे। क्या निकल गए थे? ये हमने स्टोन्स फिर से लगाए। स्टोन्स? हाँ लगा भी लिए, निकल भी है, फिर से भी लगा लिए। हाँ इतने जल्दी, अभी तो वो ड्राई नहीं हुए होंगे ना, इसलिए निकल गए थे। अरे आप तो एकदम प्रिंसेस लग रही हो जोमी हमको, एकदम क्यूट क्यूट। हाँ। दिखाना आप, आपको दिखा दें, दिखाना जोमी आपका हेयर बैंड हमको भी दिखाओ। वाओ वाओ जोमी, ओ सो क्यूट क्यूट। वाओ अब एक काम करना, वो दीदी की जो ड्रेस है ना, दीदी की ड्रेस में जो फैब्रिक बचा है दीदी, इसके लिए ना हमारे लिए बना दो कोई सी छोटी सी ड्रेस, तो हमारी ब्रेसलेट से और उससे मैच कर जाएगी। दीदी के बच्चे का फैब्रिक बनवा लेना ड्रेस, क्यों जोमी बोल देना दीदी से, अगर बना देंगी तो ठीक है ना, ऐसा कर ले। डन 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 डन। अच्छा नहीं लग रहा हमको, ऐसा लग रहा है सौम्या को ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। हाँ खुशी के मारे नाच ही जा रही है, नाच ही जा रही है वो तो, मतलब कुछ अलग ही एक्साइटमेंट है। हाँ, पता है जब से मुझसे क्या बोल रही है, मैं दीदी को दिखाया हूँ, फिर बोलने लगी मैं बुआ को दिखाया हूँ। हाँ और पता है गुड़िया को दिखाने भी गई थी, लेकिन वो पूजा कर रही थी ना, मंदिर में बैठी हुई थी, तो फिर आ गई लौट के कि दीदी आ जाए पूजा करके फिर मैं दिखाऊंगी। हाँ बस इसने घर में ऐसा कोई नहीं बचा हुआ जिसको दिखाए नहीं आया, सबको दिखाया ही वो एक एक करके। कैसा लग रहा है सौम्या आपको हेयर बैंड? अच्छा उस क्यों सौम्या, जैसा आपको बनवाना था जी वैसे ही बना है कि नहीं? उतना ही अच्छा या उससे ज्यादा अच्छा? उससे ज्यादा अच्छा, उससे ज्यादा अच्छा। पूरी देखो कैसा बन गया। हाँ, अच्छा तो बनाया दीदी, अच्छा बन गया ना। हाँ, और पता है वो ऐसा लग नहीं रहा दीदी, मतलब अपन ने बनाया ऐसा लग रहा है, मतलब रेडीमेड लिया। रेडीमेड भी कोई ना कोई बना रहे हैं दीदी, पर उनको एक्सपीरियंस होता है। हाँ, और पता है गुड़िया हमने दीदी को भी एक्सपीरियंस। अरे कोई एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, मैंने पता है तीन फ्लावर बनाए थे और उसमें देखो एक ही लगाया है बस, इतने सारे बच गए, फिर जब तो मैंने ये बना दिया एक। अच्छा बन गया ना। पहले पता है प्रीति हम यहाँ सोच रहे थे कि एक हम यहाँ पर बड़ा लगा देंगे और दो आजू बाजू छोटे लगा देंगे। अरे हाँ एक ही सही है वो, फिर तो वो है ना बहुत ओवर लग रहा था, इसलिए हमने इसका ब्रेसलेट बनाया बड़े वाले का। ब्रेसलेट का सुन के तो वो और ज्यादा खुश हो गई। हाँ और पता है वो पहले डिसाइड हो गया था कि हेयर बैंड जो रहेगा वो जोमी रखने वाली है और जो ब्रेसलेट रहेगा इसकी। हाँ वो वैसे आपकी ड्रेस के साथ मैच कर रहा है, तो हाँ, ये आप रख लो और फिर ब्रेसलेट की तो पहले जोमी की और हमारी बात हो गई थी कि वो हम रखने वाले हैं। ठीक है रख लो रख लो, हम तो हमारी दीदी से दूसरा बात कर चलो। क्या कह रही हो? हाँ नहीं हम तो बहने बहने बन गएंगे, अब इसको तो अलग कर देते हैं अपन। अच्छा लग रहा है, रख लो रख लो। क्या बोल रही हो? हम अपनी बहन से दूसरा बनवा लेंगे। एक बार बना दी उन्होंने ना, टाइम निकाल के बनाने वाली वो। हाँ सब में आप नहीं बनाएंगे? बोला था क्लिप भी बना देंगे।
अपनी वाला पूरा वो सेट होता है ना शादी के लिए, अच्छा बढ़िया मस्त सा सेट बना ली, ज्वेलरी सेट हाँ पूरा एक्सेसरी सेट बनवा लो तुम पूरा। हाँ बना लो ना फ्रेंड्स, हमारी बस्ती तो ऐसी चलती रही, सो मैं तो चली गई, इन लोगों ने उसको चढ़ा दिया है तो बेचारी बनी नहीं। बोला बस यही बोला कि शादी के लिए ज्वेलरी, शादी की बात सुनते से ही वो ना चली गई है नीचे, उसको शर्म आ रहा है। फालतू बात करती हूँ, फालतू क्या दे रही, मैंने बस सिर्फ इतना ही तो बोला था, मुझे क्या पता वो भाग जाएगी। हाँ फ्रेंड्स, हमारी मस्ती तो ऐसे चलती रहेगी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।